एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें जंगल में एक बीस्ट दिखाया जाता है जिसे तोका का क्लासमेट यामादा मारने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर ताकुतो अपने ड्रैकोनिक बस्टर से एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और हमें पता चलता है कि ताकुतो का लेवल 18 हो गया है। दूसरी ओर यासू अपनी डार्क पावर से मॉन्स्टर्स को मारकर बहुत खुश हो रहा था। वहीं इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम काशिमा है, जो बहुत डरी हुई थी। सो तभी उसके पास एक और लड़की आती है, आसागी, और वो काशिमा से कहती है, तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हमारी क्लास आज नहीं तो कल टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगी, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत ईगो है और यहाँ सभी को रैंक्स में डिवाइड किया गया है, ई क्लास से लेकर एस क्लास तक। ओह, वैसे मैं बी क्लास हूँ। वैसे जब हमारी क्लास टुकड़ों टुकड़ों में बटेगी तो मैं चाहूंगी कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि तुम एक डी क्लास हो और मुझे नहीं लगता कि तुम ताकुतो के ग्रुप में जा पाओगी, और वो दोनों बहनें हमेशा बस अकेले रहना पसंद करती हैं। और आखिर में बचती है अयाका, वो आज नहीं तो कल मारी जाएगी। काशिमा पूछती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो कहती है, तुम बाद में समझ जाओगी, वैसे इस वक्त तुम्हें सिर्फ जिंदा रहने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ग्रेट डीमन एम्पायर को हरा दिया तो हम वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, है ना। और इसके बाद ये असागी काशिमा के बूप को दबाने लगती है। देखकर लगता है कि असागी कोई लेस्बियन है, और आखिर में असागी कहती है, अगर तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगी तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। और इसके बाद असागी कुछ लड़कियों को बुलाती है जिन्होंने साथ में मिलकर एक मॉन्स्टर को पकड़ रखा था, और इस वक्त ये पूरी क्लास यहाँ पर एक टास्क कंप्लीट कर रही है जो गॉडेस ने दिया है। लेकिन अभी तक काशिमा ने किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मारा, इसीलिए असागी काशिमा से कहती है, हमारा पूरा ग्रुप साथ में ताकतवर बनेगा, इसीलिए इसे मार दो, वरना हो सकता है तुम्हारी हालत भी उस तोका जैसी हो। ये बात सुन काशिमा हिम्मत करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, और उसके ऐसा करने के बाद असागी कहती है, अब से तुम हम में से एक हो, और वहां से चली जाती है। वहीं काशिमा वहीं बैठकर रोने लगती है, ये याद करते हुए कि किस तरह तोका ने सड़क पर पड़ी एक घायल बिल्ली की मदद की थी, उससे ये कहते हुए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यही याद करते हुए काशिमा रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकी तोका। दूसरी ओर अयाका को होश आता है, क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि उस गॉडेस ने अयाका को मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया था, जिसका दर्द अयाका को अभी भी हो रहा है। और इसके बाद अयाका गॉडेस के पास आती है, गॉडेस रोते हुए कहती है, सर तोका के साथ जो हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन क्या करें, ये हमारे किंगडम ऑफ एलियन की एक पॉलिसी है, लेकिन इस वक्त हम सर तोका के जाने का शोक नहीं मना सकते, क्योंकि रिचुअल अभी भी चल रहा है। पिछले कई दिनों से जब आप बेहोश थी तो बाकी सबको एक टेस्ट पर भेजा गया, ये देखने के लिए कि वो मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं या नहीं, लेकिन कई सारे बच्चे उन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाए, और इसीलिए हमें उन्हें हीरोज की पदवी से हटाना पड़ा। अयाका कहती है, तुम्हारा मतलब कमजोरों को हटाना? गॉडेस कहती है, हाँ यही हमारे एलियन की पॉलिसी है। ये सुन अयाका कहती है, गॉडेस मैं एक बात तुमसे साफ साफ कहना चाहती हूँ, जिस तरह तुम ये चीजें करती हो मैं उनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जिस पर वो गॉडेस हंसते हुए कहती है, हमें भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने चाहिए, हम निकम्मे लोगों को खत्म करना ही पड़ता है। जिस पर अयाका कहती है, मैं एक एस क्लास हीरो हूँ, है ना, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के बदले में मेहनत करूंगी जो तुम्हारे टेस्ट को पास नहीं कर पाते, अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम कमजोरों को मारना बंद कर दोगी। जिस पर वो गॉडेस कहती है, तुम कितनी हिम्मत वाली हो, वैसे उस दिन तुम्हें मुक्का मारने के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन वो जरूरी था। और इसके बाद वो गॉडेस अयाका के साथ हाथ मिलाती है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मिस अयाका। इसके बाद हमें डार्क फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जो शायद कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी, लेकिन उसके भागने से कुछ ऐसे निशान पीछे छूट जाते हैं जिन्हें देखकर वो लोग उसके जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, और ये चार लोग होते हैं। इस आदमी का नाम मैगैट्स ब्लेडेन, और इसका नाम असुरा, और इसका नाम जियोबेन सेंगाई,
और इसका नाम जारश, और इनके ग्रुप का नाम है द होली वॉचर्स, और ये सभी उस लड़की को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर हमारा तोका द रूल्स ऑफ डिस्पोजल से बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो अपना स्टेटस देखता है। यहाँ तोका को पता चलता है कि वो अपनी पैरालाइज स्किल को अपनी मर्जी से किसी के ऊपर से हटा भी सकता है, और उसके बॉडी के कौन से हिस्से को पैरालाइज करना है ये भी डिसाइड कर सकता है, और ऐसा ही वो पॉइजन स्किल के साथ भी कर सकता है। इसके बाद तोका आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। वहां वो देखता है कि कुछ स्लाइम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बाकी के स्लाइम इस छोटे से स्लाइम को बुली कर रहे थे, और अब तोका यही देखने लगता है। पहले तो ये सभी बड़े स्लाइम्स उस छोटे स्लाइम पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वो छोटा स्लाइम उन सभी को खुद से दूर कर देता है, और इसके बाद उनका मुकाबला करने लगता है। लेकिन इसके बाद तोका उन बाकी के चार स्लाइम्स को पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है, और इसके बाद उन पर से पॉइजन और पैरालाइज को डिसमिस भी कर देता है, जिसके बाद वो स्लाइम्स तोका से डरकर भाग जाते हैं। लेकिन साथ ही तोका ने इस छोटे स्लाइम को पैरालाइज किया हुआ था। तोका उससे कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हारी मदद जरा जल्दी नहीं की, लेकिन तुमने उनका काफी हिम्मत से सामना किया। और इसके बाद तोका उस पर से पैरालाइज को हटाकर वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए कि एक अच्छी जिंदगी जीना दोस्त। लेकिन वो स्लाइम अब तोका के पीछे ही जाने लगता है, और जैसे ही तोका उसे देखता है वो स्लाइम रुक जाता है, लेकिन तोका के आगे बढ़ने के साथ ही वो भी उसके पीछे जाने लगता है। इसीलिए अब तोका उससे कहता है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। वो स्लाइम नाम से रहलाता है, जिससे तोका समझ जाता है कि इस स्लाइम को भी बाकी सब तोका की तरह अकेला छोड़ चुके हैं। दूसरी ओर हम उसी लड़की को देखते हैं जो भागते भागते थक चुकी थी, लेकिन उसे वो द होली वॉचर्स अभी भी अपने पीछे आते हुए महसूस हो रहे थे, क्योंकि उनके शिकार करने का तरीका यही है, पहले वो अपने शिकार को थकाते हैं और उसके बाद उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर हम तोका के साथ अब उसी स्लाइम को देखते हैं, और अब तोका ने इस स्लाइम के साथ दोस्ती कर ली है, और यहाँ तोका उस डार्क हीरो की फॉरबिडन आर्ट्स की बुक को पढ़ रहा था। इसमें वो एक फॉरबिडन आर्ट देखता है जिससे मॉन्स्टर्स को ताकतवर बनाया जा सकता है। वैसे इसके बाद तोका उस स्लाइम से कहता है, मैं एक बदले के सफर पर हूँ, तो क्या तुम इस सफर में मेरा साथ दोगे। वो स्लाइम अपना रंग बदल कर हाँ का इशारा करता है, सो अब तोका उसे पिगी मारू नाम देता है, और उस स्लाइम को ये नाम बहुत पसंद आता है। और अगर तोका उस गॉडेस से बदला लेना चाहता है तो उसे फॉरबिडन आर्ट्स और मैजिक को सीखना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो द होली वॉचर्स उस लड़की का पीछा करते हुए उसके बहुत पास आ चुके हैं, इसीलिए अब वो लड़की भागना बंद कर देती है और अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, द स्पिरिट्स ऑफ रैकेलिया, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी मदद करो, और बदले में मैं तुम्हें अपनी नींद दूंगी। और इसके बाद ये लड़की कुछ एंचेंटमेंट्स करते हुए अपनी पावर के फ्लो के साथ एक डांस करती है, जिससे उसकी बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है, स्पिरिट रैकेलिया। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ बड़ा अजीब होता है। इन लोगों ने जिसे घेर रखा था वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि हमारा तोका था। यहाँ मैकेट कहता है, इसे देखकर नहीं लगता कि ये एक लड़की है। सो सेंगाई कहता है, तुम हमें अपना सारा सामान दे दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन मैगेट कहता है, नहीं, हम इसे मारेंगे। ये बात सुन जारश कहता है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि उस लड़की का स्टेमिना खत्म हो चुका होगा। तभी असुरा कहता है, लड़कों को मारने में मजा नहीं आता, लड़कियों के साथ तो हम मजा भी कर सकते हैं। और यहाँ असुरा सेंगाई के साथ उस लड़की की इज्जत टूटने की बातें करने लगता है। सो तभी जारश कहता है, लेकिन हमें उस लड़की को जल्द ही मारना होगा, क्योंकि हमें उसे मारने के ही पैसे मिले हैं। वैसे इनकी बातचीत के बीच तोका यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मैगट कहता है, कहाँ जा रहे हो बच्चे, आज तुम यही मरने वाले हो। तोका डरते हुए कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन मैगट कहता है, अब गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें मरना होगा। और इसके बाद वो तोका पर हमला कर देता है, लेकिन तभी तोका उसे पैरालाइज कर देता है, जिससे मैगेट वहीं गिर जाता है। और इसके बाद तोका कहता है, तुम तो उस खंडर में मौजूद किसी एक मॉन्स्टर जितने भी खतरनाक नहीं हो। वैसे यहाँ तोका के साथ साथ पिगी मारू को भी इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था,
इसीलिए तोका कहता है, अगर ये लोग मर भी जाएं, तब भी इनके मरने से मुझे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि जरा सुकून ही मिलेगा। और इसके बाद तोका उन सभी को पॉइजन कर देता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों मर चुके हैं, लेकिन तभी तोका को महसूस होता है कि पास ही में कोई और भी है। दूसरी ओर उस लड़की को भी महसूस होता है कि उन आदमियों की प्रेजेंस अब उसके आसपास नहीं है, लेकिन तभी उसे वहाँ कोई और महसूस होता है जिसकी प्रेजेंस सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि बहुत ही खतरनाक भी है। यहाँ तक कि उससे जंगल की स्पिरिट्स भी डर रही हैं। और अगले ही पल में तोका उस लड़की के पीछे से आकर उसे पैरालाइज कर देता है। और इसके बाद तोका कहता है, मुझे महसूस हुआ कि तुम हमला करने वाली हो, लेकिन साथ ही मुझे कुछ अजीब भी लगा, तो क्यों ना इस मामले को बातचीत करके सुलझाया जाए। वो लड़की पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तोका कहता है कि मैं खो गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वैसे वो चार लोग क्या तुम्हारे दोस्त थे? वो लड़की कहती है नहीं, लेकिन वो सही से बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए तोका उसके मुँह से पैरालाइज हटा देता है। लेकिन वो उसे चेतावनी भी देता है कि अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो लड़की सही से बोल पा रही थी। तोका उससे कहता है, देखो मैं इतनी आसानी से तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि अपने यहाँ तक के सफर में मैंने बहुत कुछ देखा है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है, मुझसे कुछ भी पूछने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा सामना चार आदमियों के ग्रुप के साथ हुआ था? तोका कहता है, हाँ, लेकिन मैं उन सबको मार चुका हूँ। वो लड़की कहती है, क्या तुमने द होली वॉचर्स को खत्म कर दिया? क्या ऐसा करने में तुम्हारी किसी ने मदद की? तोका कहता है, हाँ एक ने, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ये सुन वो लड़की कहती है, मुझे तुम्हारी बातों से झूठ की बू नहीं आ रही, शायद से तुम सच कह रहे हो। मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगी, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुन तोका कहता है, तुम्हें भी देखकर नहीं लगता कि तुम कोई बुरी पर्सन हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बारे में जितना कम जाने उतना ही अच्छा रहेगा। अब इसके बाद उस लड़की से तोका को पता चलता है कि इस वक्त वो किंगडम ऑफ उल्जा के साउथ में मौजूद एक जंगल में है, और इस वक्त वो एलियन से काफी ज्यादा दूर है। और इसके बाद वो उस लड़की से आखिरी सवाल पूछता है, क्या तुम्हें ये राइटिंग समझ आ रही है? वो लड़की कहती है, शायद ये एक एंशियंट स्क्रिप्ट है, लेकिन मैं भी इसे पढ़ नहीं पा रही, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो उस राइटिंग को पढ़ पाएगा। उसे लोग एक वक्त पर द विच ऑफ टैबूज के नाम से जानते थे, और उसके पास बहुत ही फॉरबिडन नॉलेज है, लेकिन उसने ये नॉलेज कभी किसी के साथ साझा नहीं की, इसी वजह से उसे उसके होमलैंड से निकाल दिया गया। तोका पूछता है, वो मुझे कहाँ मिलेगी? वो लड़की बताती है, द लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स। तोका कहता है, मुझे इतना कुछ बताने के लिए शुक्रिया, और यहाँ हमारा हिसाब बराबर हुआ, मैंने तुम्हारी जान बचाई, बदले में तुमने मेरे सवालों के जवाब दिए, अब हमें अपने अपने रास्तों पर चलना चाहिए। लेकिन इस लड़की की ऑनेस्टी देखकर तोका को अपनी आंटी की याद आ रही थी, वो भी इस लड़की की तरह बहुत अच्छे दिल की थी। इसके बाद तोका कहता है, तुम कुछ ही मिनट्स में हिल पाओगी, लेकिन इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता। और इसके बाद तोका वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं दुआ करूंगा कि तुम अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुँचो। और तोका के साथ पिगी मारू भी जाने लगता है, और वो तोका के ऊपर चढ़ जाता है। और यहाँ तोका कहता है, मैं सिर्फ उन्हीं को मारता हूँ जो मेरे मुताबिक गलत होते हैं, लेकिन शायद से ये मुमकिन है कि एक बार हिलने के बाद वो लड़की शायद से मुझ पर हमला करने के लिए जरूर आएगी, इसीलिए तुम पीछे नजर रखना, ओके पिगी मारू? पिगी मारू इशारा करता है ओके, और तोका अपने सफर पर आगे निकल पड़ता है। सो क्या लगता है, क्या वो लड़की तोका के पीछे आएगी उसे मारने के लिए या फिर उसकी टीम का हिस्सा बनने के लिए? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना, और कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। एंड इन द एंड, सायोनारा।